हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ये VFD वीडियो में जो डीप स्विच PNP और NPN है तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं और वो PNP और NPN का यूज़ कैसे करते हैं VFD में, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग मींस पैरामीटर सेटअप भी दिखाऊंगा, वायरिंग सेटअप भी दिखाऊंगा और वो PNP NPN कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या थियोरी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी थियोरी सर्किट डायग्राम में अगर देखें तो वो है कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप स्विच देखिए, NPR और PNP इस तरफ की ट्यूब स्विच हैं। तो राइट नाउ अभी VFD भी NPN मोड पे है, तो ये जो आपको मैं अगर स्विच दिखाऊंगा तो वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा रहेगा। वायरिंग डायग्राम जो मैंने किया है वो इस तरह से किया है, उसका MI1 और MI2 मैंने इनपुट मल्टीपल इनपुट को लिया है, इनपुट पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है। उसके इंटरनली जब हम NPN में सिलेक्ट करते हैं तो होता क्या है, हमें DCM डिजिटल कॉमन इनपुट यूज़ करना होता है, जीरो वोल्टेज, जिसके आउटपुट में दो जो पुश बटन हमने कनेक्ट किए हैं उसका वन इनपुट में हम कनेक्ट करेंगे। सेकेंड आउटपुट जो है पुश बटन का उसको हम MI1 और सेकेंड आउटपुट जो है वो MI2 में सिलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मली याद रखने का लिए सिंपली टेक्निक यही है कि NPN है, N मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि जीरो वोल्टेज या तो फिर कॉमन वोल्टेज इमेज कर लो। तो जो जीरो वोल्टेज या जो कॉमन वोल्टेज जो है वो हम मल्टीपल इनपुट में देंगे और वो जाएगा ऑप्टो कपलर में, जो सेपरेट इनपुट्स है MI1 टू MI6 इतने ऑप्टो कपलर्स रहते हैं तो उसके इनपुट में जाएगा। अभी वो है जीरो वोल्टेज लेवल और उसमें से सेकंड टर्मिनल जो है उसका ये 24 वोल्ट में इंटरनली कनेक्टेड रहता है। तो ऑप्टो कपलर का एप्लीकेशन क्या है, वो नॉर्मली ये जो लाइट इमिट करता है उसको आउटपुट की तरफ सिग्नल जनरेट करेगा, ये यहाँ पे वो NC कॉन्टैक्ट करेगा, ऑप्टो कपलर का वही काम है। तो जब NPN मोड पे रहता है तब हम जब भी पुश बटन प्रेस करते हैं तो होता क्या है, ये डिजिटल कॉमन से सिग्नल होके वो MI1 में जाता है, जो जीरो वोल्टेज यहाँ पे इनको मिल गया कॉमन, और 24 वोल्ट ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्टो कपलर लाइट इमिट करता है, उस लाइट के हिसाब से यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट बनता है और अंदर लॉजिक एक्सेप्ट करता है। तो ये NPN टाइप है, ठीक है। तो अभी ये इस NPN टाइप जो है उसको मैंने जो कनेक्शन दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो मैं आपको अभी एक कनेक्शन दिखाऊंगा उसका, कि मैंने कनेक्शन उसका कैसे किया है। तो उसमें आप देखिए, ये फर्स्ट MI1, ये MI2 कनेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्टर स्विच नंबर 2 और सिलेक्टर स्विच नंबर 3 पे दिया है। यहाँ पे मैंने जो यूज किया है ये DCM डिजिटल कॉमन, आपको मैं दिखाऊंगा डिजिटल कॉमन, ये रहा डिजिटल कॉमन टर्मिनल। जो डिजिटल कॉमन टर्मिनल जो है वो दोनों पुश बटन जो सिलेक्टर स्विच है उसके दोनों एक एक इनपुट पे जाता है, उसके बाद दोनों सिलेक्टर स्विच के जो आउटपुट है वो नंबर 1 MI1 में लगा है, नंबर 2 MI2 पे लगाया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया वैसे। और यहाँ पे जो आप सिलेक्टर स्विच देखेंगे तो ऊपर नॉब की तरफ है NPN कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी मैं इसको ऑन करूँगा, जब भी मैं यहाँ से सिलेक्शन दूंगा तभी ये कॉमन MI1 में जाएगा या फिर कॉमन MI2 पे जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने ये दो क्यू यूज किए हैं, तो इसमें हमने स्टार्ट फॉरवर्ड एंड स्टॉप, रिवर्स एंड स्टॉप, फॉरवर्ड स्टॉप एंड रिवर्स स्टॉप है। तो वो कनेक्शन भी मैं आपके बाद में दिखाऊंगा कि वो क्या चीज है और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो मैंने चीज कर लिया, ये वायरिंग डायग्राम। अभी VFD के पैरामीटर में भी एक सेटिंग करना पड़ेगा हमें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि VFD का पैरामीटर कौन सा हमें जो है वो सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप VFD की मैनुअल में जाके ऑपरेशन मेथड पैरामीटर्स ओपन करें, 2.0
जीरो, ओके, ये रहा आपका ऑपरेशन मेथड। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप जो है, ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप, रन एंड स्टॉप ऑप्शन है, वो हम यहां से नहीं, हम एक्सटर्नल स्विच से करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, वो हमें पैरामीटर में इसकी सेटिंग करना पड़ेगा। तो पैरामीटर सेटिंग में आप यहां पे देखिए, सोर्स ऑफ फर्स्ट कॉमन ऑपरेशन कमांड, जिसमें जब भी आप न्यू वीएफडी परचेस करते हो या फिर फैक्टर रिसेट करते हो, तो उसमें जीरो कभी कभार हो जाता है, ठीक है। तो उसे आप सिलेक्ट करें एक्सटर्नल टर्मिनल कीपैड एनेबल नंबर वन। तो हम पहले पैरामीटर में जाएंगे, जीरो टू में, उसमें भी जीरो वन, और उसमें सेटिंग करेंगे नंबर वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड पैरामीटर जीरो टू, जीरो टू जो है वो ऑपरेशन मेथड है, उसमें एंटर करेंगे तो उसमें भी जीरो वन, उसमें एंटर करेंगे तो जीरो वन में ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो जीरो वन में ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये जो पैरामीटर में गया, वापस मैं करता हूँ क्योंकि वो वीडियो नहीं आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 02.01, उसमें भी एंटर करेंगे 01, मतलब कि मैं ऑलरेडी वो एनेबल कर चुका हूँ ये पैरामीटर, ठीक है। तो अभी हम वापस फ्रंट पेज पे जाएंगे, फ्रंट पे, फ्रंट डिस्प्ले फॉरवर्ड में है, और ये फ्रीक्वेंसी 13 फ्रीक्वेंसी मैंने सेट किया हुआ है। सो राइट नाउ हमने वायरिंग कनेक्शन कर दिया, पैरामीटर सेट कर लिया, दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा आउटपुट, ये देखिए, ये फॉरवर्ड मोटर मेरा रन कर रहा है, फॉरवर्ड स्टॉप, रिवर्स एंड रिवर्स स्टॉप। किस मेथड से, ये जो मोड मैंने लिया है वो एनपीएन मोड है। अगर मैं ये स्विच पीएनपी मोड पे करूं, ये जो स्विच है, अगर मैं उसको पीएनपी मोड पे करता हूं और उसके बाद अगर मैं ऑपरेशन करना चाहूं, तो ये ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये मैं पीएनपी मोड पे करूंगा, तो जब इन एमआई वन इनपुट है और एमआई टू इनपुट है, उसको एज अ इनपुट 24 वोल्ट चाहिए जब भी पीएनपी पे रहता है। तो हमने यहां पर क्या किया है, कॉमन दिया हुआ है 0 वोल्ट, तो वो रन नहीं करेगा। तो हम पहले देखते हैं कि पीएनपी सर्किट डायग्राम कैसे रहता है, उसके बाद सर्किट डायग्राम हम यहां पे चेंज करेंगे और उसे ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं वापस एनपीएन पे कर कन्वर्ट करता हूं, मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूं।